का, यानी दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद पहला मंत्री है एनसीआर। ये यहाँ से पहले मंत्री NCR जो नजर आ रहे हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं समझते हैं गाजियाबाद वहाँ से अतुल गर्ग है। और जय कुमार जय की अपना दल के कोटे से मंत्री बने हैं, है ये अपना दल के सदस्य हैं जिन्होंने इनसे पहले शपथ ली थी। मैं रणवेंद्र प्रताप सिंह सुन्नी भैया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी भैया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसा राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रणवेंद्र प्रताप सिंह जो धुन्नी सिंह के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने धुन्नी भैया शब्द का हालांकि इस्तेमाल किया, नीलकंठ तिवारी राज्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। अब नीलकंठ तिवारी राज्यमंत्रियों की फहरिस्त जारी है और लगभग 22 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार के साथ हैं, इसके अलावे 14 राज्य मंत्री हैं। मैं नीलकंठ तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीलकंठ तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दक्षिण बनारस से, और बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो वहां से जीतते आ रहे थे इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, इन्हें टिकट दिया गया। श्यामदेव राय चौधरी दादा, हाँ, और उनका टिकट काटना सृजनक था क्योंकि वो बंगाली हैं और हर समाज में लोकप्रिय थे। उनका टिकट अलाप सडन काट कर इनको दे दिया गया, इससे वो नाराज भी थे। लोग कह रहे हैं कि वो गवर्नर बन रहे हैं, उन्हें श्यामदेव जी को गवर्नर बना दिया जाएगा, उनके बदले जिन्हें टिकट दिया गया उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। तो बनारस को महत्व खासा है, दूसरे बनारस के मंत्री है जो बन रहे हैं। मैं मोहसिन रजा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष से बिना किसी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मोहसिन रजा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब
के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुस्लिम भी मंत्री है समुदाय को कि किस तरह एक से के जरिए एक के जरिए राह दिखा रहे नहीं, ये खुद मोहसिन रजा राह दिखा रहे हैं अपनी कम्युनिटी पे। जी, टोकनिज्म नहीं है मेरे ख्याल से। अब मुस्लिम समुदाय को ये एक मैसेज भी दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं कि देखिए ये मैंने तो असल में ये भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरीश चंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गिरीश यादव भी राज्य मंत्री के तौर पर है, ये बात कई भ्रम सोशल इंजीनियरिंग में टूटे हैं और प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लेने कमोवेश हर कोई पहुंचा है। प्रधानमंत्री वहां पर चूंकि खुद मौजूद है और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। जो मोहसिन रजा की जिक्र हो रहा था, हमें लगता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब उन्हें MLC बनाया जाएगा और MLC के जरिए अब उनकी एंट्री होगी, 6 महीने के भीतर MLC बनना पड़ेगा। प्रसून जी, तटस्थ ना बैठिए, इससे लग रहा है कि अलग ना बैठिए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अशोक रखूंगा। मैं भारत राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बलदेव अलग ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के स्वयं निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रसुप्त या प्रकट नहीं करूंगा। तो रामपुर से जीत कर आए हैं और ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि हम लगातार एक सोशल इंजीनियरिंग का जो जिक्र कर रहे थे, तो एक सरदार अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ भी है, इससे पहले भी आया, यादव भी आया, शपथ ग्रहण करें और ये सबसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। उधर BJP अध्यक्ष अमित शाह और राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं। जाहिर है राजनाथ सिंह के बाद एक वापसी हुई है BJP की उसके बाद से, और पूर्वांचल से चूंकि निकल कर आए योगी आदित्यनाथ, और पूर्वांचल से मंत्रियों की तादाद भी इस बार ज़्यादा नज़र आ रही है, सामान्य से हटकर है थोड़ा सा स्थिति। तो इससे पहले जो मंत्रिमंडल था उसमें इतने पूर्वांचल के नहीं थे मंत्री जितने इस बार नज़र आ रहे हैं। मैं मन्नू कोरी मोहनलाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुणता रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मन्नू कोरी मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब
के सिवाय जब भी ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। के दौर में बीजेपी में शामिल हुए थे मन्नू कोरी, बुंदेलखंड से आते हैं। हाँ। बुंदेलखंड से थोड़ा संख्या कम दिख रही है इस पूरी टीम में। श्री संदीप सिंह कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। देखिए, हिंदुत्वीकरण में आरएसएस बीजेपी ने जो मझोली जातियां मध्यवर्ती जातियों का जो उपयोग किया, मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखा है, एक दौर में वहाँ भी ये स्थिति थी जब वहाँ पे महावीरी झंडे के साथ दंगे होते थे। ये करौली के कल्याण सिंह के परिवार के सदस्य, परिवार के पौत्र हैं वो। जी, पौत्र यानी बेटे सांसद हैं, पौत्र जो है विधायक हो गए और अब मंत्री भी बन गए, और ये उनकी पारंपरिक पैतृक सीट एक तरह से अतरौली। जी, तो ये जो विरासत की स्थिति है बीजेपी में भी, बीजेपी में भी है। और आप एक नहीं कई जगह देख, परिवारवाद कहें तो राजस्थान में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं सुरेश पासी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश पासी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। समाज जब शपथ ग्रहण हो रहा है, इस बीच में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है, पूजनीय महंत श्री आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन। वो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, आशा और विश्वास है कि अपने महान गुरु परम पूजनीय महंत श्री अवैधनाथ जी के सपनों का भारत, जिसमें हिंदू हमेशा सुरक्षित और समृद्ध हो, बनाने में अब मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ जी लग जाएंगे। हम उनके साथ थे, आगे भी रहेंगे। ये अरविंद तोगड़िया जी का मैसेज है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1949 में वो उन्होंने अवैधनाथ जी का जिक्र किया, दिग्विजय नाथ का जिक्र नहीं किया। 1949 में राम जन्मभूमि आंदोलन समाप्त करने की मैं अनुमति प्रदान करता हूँ। माननीय राज्यपाल जी की आज्ञा से इस समारोह का समापन किया जाता है। राष्ट्रगान होगा, कृपया सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।
जिस तरीके से खत्म हुआ और प्रधानमंत्री जो कि उनका तुरंत का कार्यक्रम भी लौटने का, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके बाद कैबिनेट की बैठक तुरंत बुला ली गई है और उसके बाद पत्रकारों से मुख्यमंत्री रूबरू भी होंगे, यानी कैबिनेट क्या निर्णय लेती है तो ये अच्छा खासा मंत्रिमंडल है। हालांकि और तादाद इसमें बढ़ सकती है, लेकिन कई नामों के बीच एक नाम ये भी था कि राजनाथ सिंह के पुत्र उसमें क्यों शामिल नहीं हुए हैं, तो ये भी एक है कि भाई क्यों हम परिवारवाद को बढ़ावा दें जब वो खुद मंत्री हैं। दूसरी तरफ कल्याण सिंह जी के पोते वो शामिल हो गए हैं, तो ये सारी स्थितियाँ हैं। लालजी टंडन जी के बेटे भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, जो छोड़कर आए थे उनकी भी एक फहरिस्त है। स्वामी प्रसाद मौर्य है, रीटा बहुगुणा है और इसके अलावा भी कई नाम हैं, लेकिन मंच पर बहुत दिलचस्प है मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव से मिलते हुए। जब मुलायम परिवार में विवाह हो रहा था उस वक्त भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो ये इस वक्त जो देख रहे होंगे मैदान में जाहिर है उनका शोर है। और शायद ये पिता पुत्र उस रूप में नहीं मिले, अगर ध्यान दीजिए तो ये पहले आ गए थे अखिलेश मंच पर, बाद में मुलायम पहुंचे, दोनों अलग अलग पहुंचे। और इस मौके पर भी प्रधानमंत्री जब मुलायम सिंह जी से मिले, फिर उसके बाद अखिलेश से मिले, मुलायम सिंह यादव खुद निकले वहाँ से और वो मिलने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और अखिलेश इस समय पटाक्षेप में है, मुलायम समझ गए हैं कि देखिए किस तरीके से पहली कतार में जो नेता हैं, अब मुलायम और अखिलेश दोनों उस कतार में छिप चुके हैं। ये बड़ा संकेतात्मक है, लेकिन जो है सो स्क्रीन पर है। जो पूर्व सरकार थी पीछे चली गई है और बार बार इसका जिक्र हो रहा है कि अब हमारे सामने चुनौती इस बात की है कि कानून व्यवस्था ठीक हो। प्रधानमंत्री एक लिहाज से पीठ ठोकते हुए समझाते हुए, और अब यहाँ से प्रधानमंत्री को तुरंत वापस भी आ जाना है, तो कैबिनेट की मीटिंग में क्या निर्णय होते हैं जिस बात का जिक्र हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू है। मुलायम सिंह यादव अपने मिजाज में हैं और देखिए वह भी हाथ खड़ा करके सबका अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन ये फिर देखिए मुलायम और अखिलेश के हाथ फिर नहीं मिले, तो ये एक बड़ी ही संकेत है। लेकिन जो कहिए एक लगता है एक दूरी एक खटास इस राजनीतिक हार ने दोनों के बीच पैदा भी की है। हालांकि पिता पुत्र का मसला इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव जिस लिहाज से बढ़ते चले गए उसमें 6 महीने का ये दौर उनको जीत दिला देगा, ये उन्होंने सोचा जरूर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को तुरंत वहाँ से रवाना होना है, कोई किसी कार्यक्रम में शरीक भी नहीं होना है और सीधे वो दिल्ली आ जाएंगे। तो हर किसी को बधाई देते हुए जिनसे भी मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और तमाम नेताओं जो दिखाई दे रहे हैं वो सबके पास जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया है कि जब फल ज़्यादा लगे तो तिवारी जी जो कि एक लिहाज से कह सकते हैं कि वह कुछ बीमार भी हैं, लेकिन फिर भी वह शपथ ग्रहण में आए। मुलायम फिर उनसे मिल रहे हैं और जो भी कान में बात हो रही होगी लोग के जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि मुलायम जब भी जिक्र दिल्ली का करते थे तो एक शब्द CBI जुड़ जाता था। यहाँ पर क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई ये तो दूर की बात है, लेकिन मुलायम उस CBI खौफ से कभी निकल नहीं पाए, ये भी एक सच है। और इसका जिक्र अमर सिंह के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कई बार किया। सिद्धार्थ नाथ सिंह, अनंत कुमार जो मंच पर नज़र आ रहे हैं, जो उमा भारती बहुत सक्रिय, निरंजन ज्योति, तमाम नेताओं की मौजूदगी, जो वो इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, वो लंबी चौड़ी फहरिस्त है और सभी को इंतज़ार अब इस बात का भी है, चूँकि कैबिनेट की बैठक तुरंत 4 बजे बुलाई गई है तो यहाँ पर कोई भाषण नहीं होगा इस मंच से। और एक अभिनंदन है, और जो 12-13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी का जिक्र था वो तो हम नहीं गिन पाए, लेकिन जानकारी दी गई थी कि 13 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, उसमें चंद्रबाबू नायडू उन्हीं 13 में से शामिल थे जो ऑफिशियली जारी किया गया था, लेकिन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब शुरुआत में मंच क्या रचा जा रहा था तब 2 अलग अलग हिस्से मंच के बनाए गए थे, और सुबह जब 8 बजे खुद योगी आदित्यनाथ पहुँचे देखने के लिए तो उन्होंने मंच को जुड़वा दिया और मंच को एक साथ जोड़कर 2 हिस्से में उसको कन्वर्ट किया, जिससे आवाजाही बनी रहे, इधर और उधर के लोगों के बीच एक बनी रहे। और इसीलिए जिस वक्त लालकृष्ण अडवाणी पहुँचे उस समय जो मंत्री बनने वालों की फहरिस्त थी उसमें कमोबेश हर कोई उनसे आशीर्वाद लेने पहुँचा, और अब अभिनंदन हर किसी का किया जा रहा है। तो शपथ ग्रहण समारोह जो ठीक 2:18 पे शुरू हुआ था और इस वक्त अगर देखिए तो 3:47 हो चुके हैं, तो एक लंबा चौड़ा शपथ ग्रहण समारोह जिसमें सिवाय शपथ लेने के अलावे और कुछ नहीं था, लेकिन उसके ज़रिए क्या क्या संकेत निकले
हम इसके लिए चर्चा, हम जरा सा इसकी मंच भी खोल रहे, शुरुआत भी कर रहे हैं स्क्रीन पर। हालांकि मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम जो शपथ ले रहे हैं, लेते हुए तस्वीरें जो उस वक्त की वो नज़र आई, और उसके बाद 22 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं और उसके अलावे 14 जो हैं वो राज्य मंत्री हैं। उर्मिलेश जी, ये पूरे मंत्रिमंडल का समूह किस रूप में देखा जाए, एक ऐसा गुलदस्ता जो सोशल इंजीनियरिंग से सजा है, या एक ऐसा रूप, या फिर एक तस्वीर दिखा रहे हैं उसे, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अखिलेश से मिलना, मुलायम का उस, ये देखिए ये तीनों के हाथ थे, लेकिन बहुत सीधा संवाद। देखिए अखिलेश फिर उधर मुड़े, बाकियों से मिले, अमित शाह से मिले, मुलायम इधर आगे निकल गए, अखिलेश, ये दोनों तस्वीरें पढ़ने की स्थिति हर पॉलिटिशियन तो अपने तौर पे जो करे ना करे, लेकिन पत्रकार जरूर करते हैं। कैबिनेट के स्वरूप पर बात करने से पहले मैं अपना मोह संवरण नहीं कर पा रहा हूं। जो कमेंट आप अभी मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी के बारे में कर रहे हैं, मैं उसी पर अपनी बात कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत शपथ ग्रहण देखे हैं, लेकिन मंच पर एलाइज के अलावा अन्य लोग, खासकर जो प्रतिपक्षी दल है, देखिए दोनों दृश्य आप जब बोल रहे हैं दिखा भी रहे हैं दोनों, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। और मायावती जी नहीं आई, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं आया, तिवारी जी को आप कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं कह सकते, बिल्कुल वो बीजेपी में शामिल हो गए। एग्जैक्टली, हालांकि उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो नहीं हुए, हम केवल गए थे अपने बेटे को लेकर। लेकिन सवाल इस बात का है कि मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी दोनों उस मंच पर विराजमान है जहां भारतीय जनता पार्टी उसके एलाई, ये क्या संकेत देता है? बहुत दिलचस्प है। मैं जब कमेंट नहीं आ रहा था और शुरू में मैंने स्क्रीन खोला था अपने घर पे, तो मुझे लगा ये कहीं विलय की तैयारी तो नहीं है, लेकिन खैर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार का एक गुडविल हासिल करना, एक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का, नए मुख्यमंत्री का एक सदीक्षा, एक 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 बेहतर तालमेल की कोशिश है। और दूसरी बात जो बिल्कुल संक्षेप में मैं कंक्लूड करूं कि देखिए, एक बात के लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को किसको शाबाशी देनी होगी कि उन्होंने एक बहुत समझदारी से काम किया है, जो कांग्रेस पार्टी अपने मंत्रिमंडल के गठनों में। हम नल्ली जी का कमेंट उस पे ले लें जो नजर आ रहा है दृश्य इस वक्त। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि अब सवाल ये उठता है कि विपक्षी पार्टियां, पार्टियों की दिशा क्या होगी, कहाँ जाएंगी। और ये भी लगता है, जो आपने बाप बेटे के रिश्ते के बारे में बात की, ये रिश्ता आईसीयू में नहीं है, ऐसा नहीं लगता है। दोनों साथ आए हैं, भले ही कुछ शर्म लिहाज हो और जो कुछ बीता है उसकी वजह से, अभी समय लगेगा, लेकिन आईसीयू में नहीं है, ये खत्म नहीं हुआ रिश्ता। लेकिन अब ये बात सवाल है कि जो विपक्षी पार्टी है वो क्या करेगी, क्योंकि ये देखिए शपथ के बाद का जश्न तो देखिए, उस मैदान के बाहर जो लोग अब जमा है और नाच गाना, मृदंग, गीत, सब कुछ चल रहा है। और उसमें कई मिजाज है, वो उत्तराखंड का मिजाज भी है, जो ढोल पीटा जिस रूप में जा रहा है और गीत गाए जा रहे हैं, वो सारे नज़ारे अब आपको नजर आए। शपथ ग्रहण समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद ये खुशी, उल्लास, उत्साह, सब कुछ लखनऊ की सड़कों पर। भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर मुलायम सिंह के राजनीतिक रोल से इस चुनाव में अंदर से बहुत खुश दिखती है। मुझे जो लगता है कि एक एहसास है कि मुलायम सिंह के कदमों से, उनके कामकाज से पार्टी को अपना प्रभाव बढ़ाने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि एक पार्टी जो सत्ता में थी, ऑल ऑफ सडन चुनाव से महज कुछ महीने पहले उसमें टूट फाट हो गई। इस तरह की टूट फाट जो आमतौर पर भारत के इतिहास में किसी सत्तारूढ़ दल में इस तरह की नाटकीय घटनाएं नहीं देखी गई। मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव रहस्य लोक के व्यक्ति हैं, एक ऐसे राजनेता जो अपनी अंतर्विरोधों की तमाम दुनिया स्वयं बुनते हैं और कहीं ना कहीं किसी को लाभ पहुंचाते हैं, और उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, जिस कहानी का आप जिक्र कर रहे थे, खासकर वो तीन शब्द CBI। और कहते हैं ना कि ये चरखा दाव खेलते हैं मुलायम सिंह यादव, तो ये लगता है कि उन्होंने चरखा दाव कहीं खेले। उम्र हो गई, अब चरखा दाव क्या खेलेंगे, हमको लगता है उस दिशा में ना जाए, हम जरा सब उसको आगे ले जाते हैं, क्योंकि अब सामने कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। अंशुमन, क्या है कैबिनेट की मीटिंग का एजेंडा, क्योंकि पहली ही कैबिनेट मीटिंग में पहला ही फैसला होगा इस बात का जिक्र, जब चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री किसानों की कर्ज माफी तक कर चुके, सिर्फ एक फैसला या एक लंबी फेरिस्त आने वाली है? मुझे लगता है कि 3 या 4 फैसलों की तरफ बढ़ती हुई सरकार जरूर दिखाई देगी। पहला फैसला तो कर्ज माफी का है, जिसको प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपनी रैली में कहा था। तो तुरंत कर्ज माफी का फैसला नहीं होता है, जटिल फैसला है, किसके कितने कर्ज माफ किए जाए, कौन से कर्ज माफ किया जाए, लेकिन सरकार उस वचनबद्धता की तरफ आगे बढ़ती दिखाई देगी। जो फैसले आसानी से हो सकते हैं वो ये एंटी रेवेन्यू स्क्वाड के गठन की बात तत्काल की जा सकती है, क्योंकि पहले
ही सरकार मैसेज पहले कैबिनेट में हमको लगता है बड़ा देने की कोशिश जरूर होगी। पहले कैबिनेट का पहला मैसेज कर्ज माफी का होना ही चाहिए, सिर्फ कर्ज माफी और दूसरा बुचड़ खानों को बंद कर, जो स्लॉटर हाउस है अवैध स्लॉटर हाउस वो 300 के करीब है जिन्हें बंद करने का आदेश जारी किया जा सकता है और उसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर योगी आदित्यनाथ थोड़ी साहस के साथ मैसेज देना चाहेंगे तो वो भू माफिया के खिलाफ जो टास्क फोर्स गठन करने की बात उस पर शायद वो आगे आने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि वो भू माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स गठित की जाएगी क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा है। चलिए हम ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, लंबा हम लोगों ने वक्त गुजार दिया देखते हुए शपथ ग्रहण को।